स्टार्टअप महापंचायत ने आज एक बैठक रखी जहां अपने समाज की विसंगतियों को उजागर किया। कहा कि आज हमारा समाज पीछे जाता जा रहा है और हमारे समाज को पीछे करने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के कुछ लोगों की है। चाहे वो बहन जी की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार, किसी ने भी हमारे समाज का उद्धार नहीं किया। सिर्फ पैसों की राजनीति रह गई है। जिन लोगों को हमने समाज से चुनकर सरकार में बैठाया, उन लोगों ने हमारे ही समाज को ठगा। जब इन लोगों की शिकायत की तो सब दल बदली करके अपना बचाव करने लगे। इसलिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। आज हमारे जाटव समाज में जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गिरावट आई है, उसी संबंध में आज हम लोगों ने जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हमने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि समाज में जो बुराइयाँ हैं, समाज को तरक्की करनी चाहिए, वो पीछे जाता जा रहा है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने इस गोष्ठी को बुलाया है और हम अपने समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि समाज को आगे नई दिशा कैसे देनी चाहिए, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने आज समाज के लोगों को, जो समाज में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है, हमने भीड़ बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने उन्हीं चंद समाज सेवकों को और समाज के जो शुभचिंतक हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। यही हमारा चुनावों से पहले संघर्ष बुलाया जाता था, लेकिन अब चुनावों के बाद इसका क्या कारण? सामाजिक सुधार, समाज सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है। समाज जो आर्थिक तौर पर हमारा पिछड़ा हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये चार समस्याओं को ध्यान में रखते ये पंचायत बुलाई गई है और किस तरीके से हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे, समाज को इनसे मुक्ति दिलाएंगे, उस परिप्रेक्ष्य में आज ये पंचायत बुलाई गई। सुरेश चंद सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष, सपोर्ट इंडिया। आज पंचायत ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि जो समाज में दीमक है, समाज में जो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं, उन कीड़े मकोड़ों को और दीमक को किस दवा से मारा जाएगा, उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। कीड़े हैं जो हमारे वोटों से एमएलए और एमपी हुए हैं। वो हमने उनको वोट भी दिया, उनको वोट देना हमारी मजबूरी है क्योंकि अभी ऐसी कोई पार्टी सामने नहीं आई है जिनको हम दलित समाज के लोग वोट दे सकें। इस सरकार में कुछ अत्याचार ज़्यादा बढ़े हैं? इस सरकार में नहीं, इसी सरकार में अत्याचार ज़्यादा बढ़े हैं और ये सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण बहुजन समाज पार्टी हमारी मजबूरी है। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो हम कांग्रेस को वोट देते और दलितों से अपील करते कि कांग्रेस को वोट दो। दलितों के हित की बात कोई नहीं करता। बहन जी भी दलितों के हित की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी भी दलितों के हित की बात नहीं करती। कांग्रेस किसी जमाने में दलितों के हित की बात करती थी और तब तीन तीन मंजिला मकान हुआ करते थे दलितों के और कारोबार चला करते थे, लेकिन कांग्रेस अब कमजोर है, इसलिए हम बियाबान जंगल में हम रास्ते के लिए घूम रहे हैं कि कहीं हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां गोकरू कांटे और कीड़े मकोड़े ना हो। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।